मंगल जिन्हें की सेनापति की पदवी दी हुई है उनके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलें और सीखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसके पहले वाले वीडियोस में मैं सूर्य और चंद्रमा के बारे में जानकारी बता चुका हूं आपको, वो आप वीडियो जाके पहले देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में मंगल ग्रह से संबंधित सारी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मंगल ग्रह जिन्हें जो किन किन चीज़ों के कारक है वो समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साहस, करेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, साहस के कारक है मंगल देव। आपके शरीर के आपके अंदर जितना भी साहस है उसके वीरता आपके अंदर है, उसके शौर्य और शक्ति, क्रोध, युद्ध यानी किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, युद्ध, क्रोध, गुस्सा, शक्ति आपके अंदर की पावर, शौर्य मतलब कि वीरता आपके अंदर का आक्रामकता बना, वीरता, साहस, सारी चीज़ें, इन सभी के कारक जो है वो मंगल ग्रह है। इसके बाद अस्त्र शस्त्र यानी जितने भी प्रकार के जो औजार हैं, हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो सभी मंगल ग्रह के अधीन आते हैं, मंगल ग्रह का कंट्रोल है उन पर। उसके बाद हिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा का जो कारण वो है मंगल ग्रह। हथियार मैंने बता दिया है आपको, दुर्घटना अगर कोई होती है तो उसका कारण कारक भी मंगल ग्रह को बताया गया है। भूमि जमीन जायदाद, भूमि अचल संपत्ति जितनी भी है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद ये जितनी भी है ये सब मंगल ग्रह के अधीन आती है। छोटे भाई बहन, आपसे छोटे भाई बहन जो हैं मंगल ग्रह के अधीन आएंगे। जानवरों द्वारा काटना, जलना, घाव हो जाना, ऑपरेशन होने की नौबत आना या ऑपरेशन होना, दक्षिण दिशा, ओज तेज यानी आपके शरीर का ओज और तेज यानी कि चमक, और क्रांतिकारी विचार यानी कि ऊंचे विचार, क्रांतिकारी तरह के विचार, चोर अगर कोई है तो मंगल ग्रह के अधीन आता है चोर, और बाह्य परिधान यानी बाहर पहनने वाले कपड़े, ये सारी चीज़ों के जो कारक है वो है मंगल ग्रह इन सभी चीज़ों के। तो देखिए यहाँ पे लिखा था जानवरों द्वारा काटना यानी किसी जानवर द्वारा आपको अगर काटा गया है तो वो भी मंगल ग्रह के अधीन ही आएगा, कि उस समय पे मंगल ग्रह का कुछ ना कुछ रोल तो आपकी जन्म कुंडली में आपके महादशा अंतरदशा के रूप में चल रहा होगा, तभी उस जानवर द्वारा आपको काटा गया होगा। तो यहाँ पर मंगल ग्रह की अशुभता का पता चलता है उस चीज़ से। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी मंगल ग्रह की कौन सी होती है। देव ग्रह है मंगल ग्रह भी और क्रूर ग्रह है सूर्य की तरह, इनमें भी तेज हैं, ओज हैं, गर्म ग्रह हैं, आक्रामकता वाले हैं, तो क्रूर ग्रह मंगल ग्रह को भी बोला गया है। कुंडली के भाव के मालिक, कुंडली में तीसरे और छठे घर के छठे भाव के मालिक जो है वो मंगल ग्रह को बोला गया है। स्वयं की राशि कौन सी होती है इनकी, दो राशियों के मालिक हैं ये, पहली है मेष एक नंबर की, उसके बाद आठवें नंबर की वृश्चिक राशि है, जिसको अंग्रेजी में मेष राशि को एरिस बोला जाता है और वृश्चिक राशि को स्कॉर्पियो बोला जाता है। किस राशि में उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं यानी अति शुभ, और नीच राशि है इनकी कर्क यानी अति अशुभ, यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। इनके अति मित्र हैं चंद्रमा, मंगल ग्रह के अति मित्र जिसको ये मानते हैं तो चंद्रमा को मानते हैं, इसलिए ये जब भी चंद्र और मंगल कुंडली में एक साथ बैठे हुए मिलते हैं शुभ होके तो वहाँ पे चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण कर देते हैं, मित्र है ना इसलिए राजयोग बना देते हैं। उसके बाद जो दूसरे मित्र हैं मंगल के वो हैं चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये तीन ग्रह। इसके बाद अति शत्रु किसको मानते हैं मंगल, कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, बुध ग्रह को मानते हैं। उसके बाद सिर्फ शत्रु किसको मानते हैं, तो यहाँ पे शनि, राहु और केतु ग्रह को ये जो है अपना शत्रु मानते हैं, और शुक्र ग्रह को भी मानते हैं, यहाँ पे शुक्र ग्रह भी इंक्लूड हैं इनके शत्रुता के श्रेणियों में। इसके बाद इनका जो रत्न है, रत्न होता है मूंगा रत्न, जो कि लाल कलर और ऑरेंज कलर के रूप में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि त्रिकोण शेप में होता है यानी कि ट्राइंगल शेप में होता है या कैप्सूल शेप में होता है, आपने देखा ही होगा वो। उसके बाद रत्न धारण का समय
दान एवं बीज मंत्र के जप करने का समय कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे है सुबह 10:30 से 1:30 के बीच में, सुबह 10:30 से 1:30 के बीच, या दोपहर 3 से 4:30 के बीच में इनका समय होता है मंगल ग्रह का। अब देखिए मूंगे के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि मूंगा लाल और सफ़ेद दोनों कलर में ही पाया जाता है, तो यहाँ पे दो कलर होते हैं मूंगे रत्न के। उसके बाद वार कौन सा है मंगल का, मंगलवार जुड़ा हुआ है। दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा है। प्रकृति मंगल ग्रह की पित्त प्रकृति के होते हैं। वर्ण कौन सा है, रक्त वर्ण के होते हैं। स्वभाव कौन सा है मंगल का, तंदुरुस्त शरीर चौकोर, यहाँ पे ये स्वभाव है मंगल ग्रह का। गुण कौन से हैं, सात्विक गुण है, क्योंकि देव ग्रह है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सात्विक गुण में वो आ जाते हैं। कौन से जानवर जुड़े हुए मंगल ग्रह से, बंदर और भेड़ जानवर होते हैं। ग्रहों के रश्मियों की आयु मंगल ग्रह के कितनी होती है, 7 साल होती है। पदवी कौन सी दी गई हुई है मंगल ग्रह को, सेनापति का पद दिया हुआ है मंगल ग्रह को पूरे 9 ग्रह के अंदर। उसके बाद ग्रह द्वारा आयु निर्धारण, 10 साल की आयु होती है मंगल ग्रह के द्वारा। अगर मंगल ग्रह को आपकी कुंडली में षडबल प्राप्त है तो मंगल ग्रह उस व्यक्ति को अकेले 10 साल की आयु प्रदान कर देते हैं, यहाँ पर ये आयु निर्धारण है। तो ये थी जानकारी आज मंगल ग्रह के बारे में, संपूर्ण जानकारी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगा अगले वीडियो में बुध ग्रह से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी लेकर, और फिर बुध ग्रह के बारे में बताऊँगा। सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह के बारे में इसके पहले मैं बता चुका हूँ, वो वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय माता दी। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजिनल राशि रत्न और रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।